ये भारत का शांतिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन है। ये वो हथियार है जिनकी तकनीक और क्षमता के पीछे भारत की आत्मनिर्भर सोच है। ये आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी महाशक्तियां हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ये हवा से हवा में, जमीन से जमीन पर और समंदर से समंदर में दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। इस मिसाइल से भारतीय सीमा के जल, थल और नभ की सुरक्षा कई गुना बढ़ गई है। सेना के हथियारों का आज का प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब उन देशों की श्रेणी में है जो अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपनी डिफेंस तकनीक और अपने हथियारों से कर सकता है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। भारत के पास न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए, भारत के पास इस प्रकार के कुछ डिटरेंट्स होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के कदम है। दरअसल भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2011 से 2015 के बीच भारत पूरे विश्व में बनने वाले हथियारों का 14% हिस्सा खरीदता था, लेकिन 2016 से 2020 के बीच ये आंकड़ा गिरकर 9.5% पर आ गया। जबकि अन्य खरीदार देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई है और ये आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का शुरुआती ट्रेलर है। भारत अब अपनी रक्षा स्वदेशी हथियारों से करने के मिशन में जुटा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत ने पिछले 2 सालों में अहम उपलब्धियां हासिल की है। पिछले 2 सालों में रक्षा सामानों के एक्सपोर्ट के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया भर के हथियार निर्यातक देशों की लिस्ट में भारत 19वें नंबर पर है। विश्व के 42 देशों को भारत रक्षा से जुड़े उपकरण बेचता है। अगर हम देश को एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं तो बड़ा लाजमी है कि हम अपने हथियार प्रोडक्शन में कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हों। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हम कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हों जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि हर प्रकार से हम डिफेंस में आत्मनिर्भर होंगे और जो भी नया इक्विपमेंट बनेगा हिंदुस्तान में वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा। आप जिन देशों को विश्व की महाशक्ति कहते हैं उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया हथियार है। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश हैं। वर्ष 2020 में ही अमेरिका ने दूसरे देशों को हथियार बेचकर 37,700 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह से रूस ने वर्ष 2020 में 23,800 करोड़ रुपए कमाए। फ्रांस ने भी हथियार बेचकर 14,800 करोड़ रुपए कमाए। यानी इन देशों ने हथियार बेचकर अपने देश में बने हथियारों से पैसा जुटाया और इन पैसों की मदद से रक्षा तकनीक विकसित की और अपने देश को और ज्यादा सुरक्षित और सशक्त बनाया। भारत सबसे ज्यादा हथियार भी रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से खरीदता है। यानी दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश उन देशों से हथियार खरीदता है जो हथियार बनाकर ही विश्व की महाशक्तियां कहलाते हैं। इसीलिए महाशक्ति बनने की एक कसौटी हथियारों वाली आत्मनिर्भरता भी है। लखनऊ में आज जो हुआ वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। लखनऊ वासियों को इस नई यूनिट को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां के लोकल सांसद को, लोकल विधायक को इसके लिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के बेहतरीन कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ वासियों को उपलब्ध कराया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार अपना पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर देती रहेगी। लखनऊ में स्वदेशी तकनीक से तैयार हो रही ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे हथियार देश के दुश्मनों को सीधे चेतावनी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक शांति पसंद देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता है।
ये हथियार आत्मनिर्भर भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में सबसे बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।